वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमाज कलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल की अपकमिंग मूवी के बारे में। जी हाँ गाइस, ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि जो राजवीर देओल हैं यानी कि सनी देओल के बड़े छोटे बेटे, जैसे कि आपको पता ही है ना कि जो बड़े बेटे करण देओल हैं उन्होंने तो पर्पल दिल के पास जैसी मूवी में काम कर चुके हैं वो, और उन्होंने दो तीन मूवी तो बना चुके हैं वो, और बाय द वे उनकी जो है कि मूवी फ्लॉप रही है। लेकिन इनसे यानी कि जो राजवीर देओल हैं इनको मतलब कि करण देओल से शानदार एक्टर माना जा रहा है, क्योंकि इनकी जो है कि हाइट और जो है कि एकदम पर्सनालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से लोगों का मानना है कि इनकी जो है मूवी में एक्टिंग है काफ़ी शानदार देखने को मिल सकती है अपन लोगों को। तो वैसे ये जो राजश्री फिल्म प्रोडक्शन है उसके द्वारा इस मूवी को बनाया जा रहा है, और इसकी जो यानी कि बजट है वो ऑलमोस्ट भाई मतलब बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ गाइस, तो इस मूवी का जो बजट है वो 80 से 90 करोड़ है, और इस मूवी में जो है कि आपको लीड में दिखेंगे सनी देओल के बेटे यानी कि राजवीर देओल, और उनके साथ साथ जो है कि पूनम ढिल्लो की बेटी यानी कि पनो जो पलोमा कठेरिया ढिल्लो हैं वो भी आपको इसी मूवी में नज़र आएंगी। जी हाँ गाइस, तो पूनम ढिल्लो की बेटी भी यानी कि पलोमा जी हैं वो भी इस मूवी में डेब्यू करने वाली हैं सनी देओल के बेटे के साथ। तो इसमें दो बड़े मतलब कि स्टार किड नज़र आएंगे इस मूवी में, तो मतलब काफ़ी शानदार मूवी होने वाली है। वैसे इस मूवी का जो शूट है वो थाईलैंड में चल रहा है अभी, तो वहाँ पे जाके अभी सनी देओल सर ने एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें कि करण देओल और सनी देओल और उनके साथ साथ जो है कि उनके राजवीर देओल की फ़ोटो भी थी सम्मिलित। तो अगर हम बात करें यानी कि इस मूवी में और भी स्टार कास्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि इसमें जो है कि सनी देओल सर खुद और करण देओल सर और उनके साथ साथ राजवीर देओल यानी कि सनी देओल सर और इनका जो है कि ट्रायो देखने को मिलेगा, यानी कि तीनों लोग ये इस मूवी में काम करेंगे, यानी कि सनी देओल सर खुद और उनके साथ साथ करण देओल और राजवीर देओल। तो ये तीन स्टार कास्ट जो है कि इस मूवी में एक साथ काम करेंगे, और साथ ही साथ पूनम ढिल्लो की बेटी यानी कि पलोमा जी जो है वो भी इस मूवी में नज़र आएंगी। तो इस मूवी के में जो है कि मतलब बहुत सारे स्टार कास्ट हैं, तो इस मूवी का इसीलिए इसका जो बजट है वो काफ़ी हाई बजट मूवी रहने वाली है, 70 से 80 करोड़। और इस मूवी की जो है कि शूटिंग जो है कि लगभग 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, मतलब काफ़ी क्योंकि अच्छे यानी कि बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट से बनाई जा रही है। और राजश्री की तो आपको पता ही है कि फिल्म जो है वो बहुत ही अच्छा कलेक्शन करती ही है, तो राजश्री फिल्म प्रोडक्शन जानी जाती है भाई इसी चीज़ के लिए। तो और अगर बात करी जाए यानी कि इस मूवी में जो है कि और भी जो है कि स्टार कास्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि इसमें जो है कि और भी दो तीन जो स्टार कास्ट हैं नज़र नए आएंगे चेहरे, तो उनका भी कुछ ज़्यादा कुछ है यानी कि स्टोरी के बारे में रिवील किया नहीं है। वैसे जो है कि अभी इस मूवी का नाम भी रिवील नहीं किया है इन लोगों ने, अनटाइटल्ड यानी कि बोला है इस मूवी को कि अनटाइटल्ड नाम से है ये मूवी। वैसे अभी इसका कोई नाम स्पेसिफिक नाम नहीं रखा है इस मूवी का, तो उसके बारे में तो जानकारी मिली नहीं है, बट इतना तो पता है कि भाई मूवी आ रही है इनकी, और मतलब कि सिनेमाघरों में बवाल मचेगा भाई, और ये मूवी 2024 में रिलीज़ होगी गाइस। जी हाँ गाइस, तो जल्द ही ये मूवी रिलीज़ भी होगी। तो आप गाइस कितना वेट कर रहे हैं, और आप मतलब जो कि सनी देओल सर के फ़ैन हैं तो वीडियो को सबसे पहले देर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मिलती रहे आपको न्यू न्यू अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।